हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, कक्षा में नोट्स देना। ऑप्शन बी, छात्रों के समक्ष तत्सम तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करना। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? ऑप्शन ए, बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन बी, परिवार को संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन सी, इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑप्शन ए, यह केवल आदर्श वाक्य है। ऑप्शन बी, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती। ऑप्शन सी, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? ऑप्शन ए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व की विकास में। ऑप्शन बी, शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में। ऑप्शन सी, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुँचाने में। एंड ऑप्शन डी, ट्यूशन द्वारा पैसे बढ़ाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। ओके, नेक्स्ट है, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि? ऑप्शन ए, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशु का मार्गदर्शन करेगी। ऑप्शन बी, बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती है। ऑप्शन सी, जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। ऑप्शन डी, ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। ओके, नेक्स्ट है, यदि सरकार शिक्षकों की मांग न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षकों को शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, अपनी मांगों को लेकर न्यायालय पर दरवाजा खटखटाना चाहिए। ऑप्शन सी, अपनी समस्याओं पर मीडिया में परिचर्चा करानी चाहिए। एंड ऑप्शन डी, जब तक मांगे पूरी ना हो जाए तब तक वेतन नहीं लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि? ऑप्शन ए, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। ऑप्शन बी, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। ऑप्शन सी, वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दें। एंड ऑप्शन डी, ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ओके, नेक्स्ट है, जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए, नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में है? ऑप्शन ए, नास्तिक है। ऑप्शन बी, जाति प्रथा पर एक कटाक्ष है। ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था का विरोध है। एंड ऑप्शन डी, समाज सुधार की भावना का द्योतक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था का विरोध है। ओके, नेक्स्ट है, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। ऑप्शन बी, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण करवाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी, लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। ऑप्शन डी, किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? ऑप्शन ए, उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होगी। ऑप्शन बी, उचित नहीं है, इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम हो जाता है। ऑप्शन सी, इस पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता,
एंड ऑप्शन डी विशेष अवसरों पर उचित है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आप ही को फायदा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय ऑप्शन ए वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है, ऑप्शन बी वर्तमान समय में श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी लाभप्रद है, ऑप्शन डी मौज मस्ती का है। तो इसका आंसर होगा वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ। ओके नेक्स्ट है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? ऑप्शन ए इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन बी इसका प्रयोग अध्यापक के लिए एक बोझ है, ऑप्शन सी इनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डालता रहता है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इसके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। ओके नेक्स्ट है, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएंगे, ऑप्शन बी वो अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, ऑप्शन सी इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएगा। ओके नेक्स्ट है, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, ऑप्शन बी प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना, ऑप्शन सी योजनाबद्ध शिक्षण करना होना, एंड ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ओके नेक्स्ट है, बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वो ऑप्शन ए स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, ऑप्शन बी रोज स्वास्थ्य के महत्व पर बच्चों के सामने लेक्चर दे, ऑप्शन सी बच्चों के नाखून आदि कटे हैं इसे चेक करते रहना चाहिए, एंड ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ओके नेक्स्ट है, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, ऑप्शन बी बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, ऑप्शन सी प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो, एंड ऑप्शन डी ये सभी। आंसर होगा ऑप्शन ए उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। ओके नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि ऑप्शन ए बच्चों को स्कूल में टिफिन ले नहीं ले जाना पड़ेगा, ऑप्शन बी निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचा जा सकेगा, ऑप्शन सी यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए ऑप्शन ए अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार, ऑप्शन बी योजनाओं का सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी समूह पर कड़ा नियंत्रण, एंड ऑप्शन डी समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी समूह के प्रति समर्पण एक की भावना एवं ऊंचा मनोबल। ओके नेक्स्ट है, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह ऑप्शन ए छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे, ऑप्शन बी अपने प्रधानाचार्य के चारों ओर गुणगान करता फिरे, ऑप्शन सी अपने कार्यों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ावें, ऑप्शन डी वह पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दें। तो आंसर होगा ऑप्शन ए छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। ओके नेक्स्ट है, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए ऑप्शन ए धनिक कॉलोनियों के बीच में ताकि स्कूल को अधिक छात्र मिल सके, ऑप्शन बी प्राकृतिक वातावरण में, ऑप्शन सी नगर के बाहर, ऑप्शन डी ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक वातावरणों में। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और सारा वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हो और आपका
टीचिंग एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।